Hello student, in this video lecture we are going to discuss remaining part of ionic bonding or electrovalent bond. तो आज हम पढ़ेंगे आयनिक कंपाउंड और उनकी प्रॉपर्टीज़. ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. तो दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द एक्वस स्टेट एंड मोल्टन स्टेट. ठीक है, एक्वस फॉर्म में पानी में मिला देते हैं तो इसके जो आयंस होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव वो फ्री हो जाते हैं, है ना. जैसे कि कोई भी आयनिक कंपाउंड है तो उसके जो आयंस होते हैं वो फ्री हो जाते हैं और ये इजीली अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं. ठीक, तो मोल्टन स्टेट में भी यही है, आयन क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं, आयंस टू मूव फ्रीली और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट में आयन फ्री नहीं हो पाते, यानी आयंस आर नॉट मूव फ्रीली. तो आयंस मूव नॉट फ्रीली जिसकी वजह से आयंस यहीं सॉलिड स्टेट में पड़े रहेंगे और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं. नाउ द आयनिक रिएक्शंस, कोई भी कंपाउंड है आयनिक कंपाउंड तो वो आयनिक रिएक्शन अपने आयंस की वजह से शो करता है. तो दीज ब्रेक डाउन इनटू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस व्हेन डिसॉल्व इन द वाटर. ठीक है, केमिकल रिएक्शन प्रोसीड ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. इन पॉजिटिव नेगेटिव आयन की वजह से केमिकल रिएक्शन होती हैं. जैसे NaCl स्टूडेंट, तो यहाँ पे Na पॉजिटिव और Cl एक्वस फॉर्म में अलग हो जाता है और यहाँ पे AgNO3 एक्वस फॉर्म के साथ रिएक्शन करके AgCl एंड NaNO3 का फॉर्मेशन कर लेता है. तो दीज आर द आयनिक रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. हमने दो यहाँ पे प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली. ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट फिजिकल स्टेट. ठीक है, यूजली क्रिस्टलाइन इन नेचर. ये क्रिस्टलाइन नेचर में मिलते हैं, यानी सॉलिड फॉर्म में रहते हैं. ठीक है, दिस कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ द 3D अरेंजमेंट. इनका जो अरेंजमेंट होता है, यानी कैटायंस और एनायंस का जो अरेंजमेंट है वो कैसा होता है, 3D फॉर्म में होता है. क्लियर, कैटायंस एंड एनायंस हेल्प टुगेदर बाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज कॉल्ड कोलम्बिक इंट्रैक्शन. यानी जो कैटायन एनायन जो है 3D फॉर्म में बंधे रहते हैं वो एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, FOA फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज कॉल्ड कोलम्बिक फोर्सेस. कोलम्बिक फोर्सेस स्टूडेंट गिवन बाय द कोलम. ये बोलता है जैसे ये एक कैटायन है और ये एनायन, इसको मैंने Q1 बोल दिया और इसको मैंने Q2 बोल दिया और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को मैंने D ले लिया. ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो Q1 यानी पॉजिटिव चार्ज, Q1 का मतलब है पॉजिटिव चार्ज एंड Q2 मतलब नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होता है एंड इनके बीच की दूरी के जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो यहाँ से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको मिलता है वो F मिलेगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर या डी स्क्वायर डिस्टेंस. दिस इज डी स्क्वायर. ठीक, यहाँ पे हमें जब ये कॉन्स्टेंट हटाते हैं तो आपको मिलता है 1/4πε0k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और डी स्क्वायर. ठीक, डिस्टेंस हमने ले ली डी स्क्वायर. ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैटायन एनायन को बांध के रखता है. अब 3D अरेंजमेंट हमने समझना है, वही 3D अरेंजमेंट में कैसे ये बाइंड अप रहते हैं. ठीक, देखो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है. 3 डायमेंशन हमने जैसे NaCl ले लिया एग्जांपल, रॉक सॉल्ट है. क्या है, रॉक सॉल्ट. ठीक, अब रॉक सॉल्ट को बनाना है इस तरह से, आपने एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे. तो कोशिश करना है ये 3D स्ट्रक्चर बने. इसमें इस तरह से हमने इसको यहाँ से मिलाया और एक 3D अरेंजमेंट बनाने के लिए हमने यहाँ पे इस तरह से इसको यहाँ से ज्वाइन किया और इसको मैंने यहाँ से मिला दिया. इसी तरह से स्टूडेंट यहाँ पे एक लाइन लेते हैं और इसको इससे मिलाते हैं, इसको इससे, और यहाँ से ये इस तरह से 3D बन जाता है.
इस वाले पॉइंट को यहाँ से मिला दिया और इस वाले पॉइंट को यहाँ से यहाँ मिला दिया है, इस वाले पॉइंट को यहाँ से टच किया यहाँ मिला दिया और इस वाले पॉइंट को यहाँ से टच किया यहाँ पर मिला। तो आपको एक तरह का ये 3D फॉर्म दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, ठीक है। ये क्या एक तरह की 3D फॉर्म आपको दिखाई दे रही है, यानी यहाँ पे जो होते हैं जैसे कि कैटायंस Na पॉजिटिव और ये NaCN नेगेटिव है ना, यानी फिर कैटायन और ये एनायंस की इस तरह से आपको अरेंजमेंट देखने को मिलता है। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट आपको ये दिखाई दे रहा है, कैटायन और एनायंस का अरेंजमेंट, ये एक क्रिस्टल लेटिस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसे बोलते हैं क्रिस्टल लेटिस सॉलिड। इसमें जो ये यूनिट है NaCl की यूनिट जो बंधी हुई है, ये किसकी वजह से बनी हुई है, कोलंबिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। तो दीज आर वेरी हाई, ये क्या होते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वेरी, ये क्या होते हैं वेरी हाई बिकॉज आयनिक कंपाउंड आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, जो अभी हमने कोलंबिक फोर्सेस पढ़ा था, यानी इनके बीच में इंट्रैक्शन ज़्यादा होता है जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होते हैं, ठीक है। सोलेबिलिटी, दीज आर द फेयरली सोलेबल इन द पोलर, ये पोलर में घुल जाते हैं लेकिन सारे पोलर कंपाउंड में एक समान रेट से नहीं घुलते हैं, ठीक है। वाटर में बहुत जल्दी डिजॉल्व होते हैं, उसका रीज़न हम समझेंगे। एंड इनसोल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये डिजोल्व नहीं होते हैं, राइट। अब वाटर द पोलर सॉल्वेंट इज वन बेस्ट सॉल्वेंट, वाटर जो है एक सबसे अच्छा सॉल्वेंट है बिकॉज इट हैज़ द हाई डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। अब ये क्या होता है स्टूडेंट, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो है ये जो कैटायन और एनायन होता है इसके बीच के इंट्रैक्शन को कम कर देता है, ठीक है। इसको ब्रेक डाउन करने के लिए जब ये इसके ऊपर गिरते हैं, जैसे कि वाटर में जब Na और Cl आयन आएंगे तो इसको ये जल्दी से क्या करेगा, ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है। तो जल्दी से वो डिसॉल्व हो जाएगा, जैसे कि Na आयन है तो Na आयन को वाटर ने इस तरह से चारों तरफ से HOH है ना घुल जाता है इसमें और ये इसको डिसॉल्व कर लेता है। यहाँ पे स्टूडेंट क्या है कहानी, ये सब वाटर के मॉलिक्यूल हैं, इसमें क्या है कि यहाँ से एक एनर्जी रिलीज़ होती है, यहाँ से एक एनर्जी रिलीज़ होती है, एनर्जी रिलीज्ड, इसको हम अगर वाटर हमने यूज़ किया है तो हम इसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। जितनी ज़्यादा निकलती है वो अच्छे से उसमें डिजॉल्व हो जाता है। इसी तरह से Cl को वाटर का मॉलिक्यूल OH है ना, इस तरह से H पॉजिटिव OH नेगेटिव ऐसे सराउंड कर लेता है, तो हम इसको बोलते हैं सोलबिलिटी, ठीक है। इसको नोट कीजिए।